नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करेंगे आज ऐसे मुस्लिम परिवार के जो पीढ़ियों से करता आ रहा है शिव जी की पूजा। जी हां, धर्म चाहे कोई भी हो, इंसान में भेदभाव नहीं सिखाता। ईश्वर तो एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। और यही कारण है कि उसने हमें बनाया तो इंसान था, लेकिन धरती पर आने के बाद हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी और भी न जाने किन किन समुदायों में बटकर रह गए। लेकिन जाति धर्म के भेद से ऊपर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए इबादत ही धर्म है, फिर चाहे वो अल्लाह की हो या ईश्वर की। ऐसे ही एक इंसान है गुवाहाटी के मोतीबुर रहमान, जो धर्म के ऊपर उठकर सिर्फ इबादत करना जानते हैं। मोतीबुर और उनका परिवार अपने घर के पास बने शिवलिंग की पूजा करता आ रहा है। उत्तर गुवाहाटी के रंगमहल के एक मुस्लिम गांव में मोतीबुर रहमान के घर के पास विराजमान है भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर, जिसे लोग भांगुरा थान कहते हैं। और उनके परिवार द्वारा शिव पूजा का ये सिलसिला पिछले 7 पीढ़ियों से लगातार चला आ रहा है। प्राकृतिक परिवेश के बीचों बीच स्थित इस स्थान को हर रोज सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम को मगरिब की नमाज के बाद मोतीबुर रहमान साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद ही होती है इस भांगुरा थान में पूजा। अक्सर पूजा में आसपास के गांव के हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी शामिल होते हैं। थान में हर रोज पूजा पाठ के साथ बड़े धूमधाम से शिवरात्रि भी मनाई जाती है। गांव के मुसलमान भी किसी शुभ काम के लिए निकलने से पहले मस्जिद में दुआ मांगने के अलावा भांगुरा थान में हाजिरी देना और दिया जलाना नहीं भूलते। गांव में रहने वाले हिंदू भी मोतीबुर रहमान के इस काम में पूरा सहयोग करते हैं। यही कारण है कि जहां मोतीबुर रहमान और उनका परिवार भगवान शिव का पूरा ख्याल रखते हैं, वहीं शायद उनके इस इंसानियत के जज्बे ने ही पूरे गांव को हिंदू मुस्लिम एकता के धागे से अब भी बांधे रखा है।